तो मित्रों आज जो है बहुत काफ़ी लेट हमारे धान की मड़ाई हो रही है। बहुत दिनों बाद तो कट पाए हमारे धान। अभी भी देखिए पानी भरा पड़ा है खेत में, पूरा पानी पड़ा है। इसी में हमने काटे थे और अब आज ये मड़ाई कर रहे हैं। तो अब आप लोगों को बासमती चावल खाने को मिलेंगे। बहुत बढ़िया बासमती है इंद्रासन का। चलो अब जब हमारे चावल निकलेंगे तब आपको दिखाते हैं। जब चावल इसके सेलर में ले जाएंगे, चावल निकालेंगे तब दिखाते हैं। तो फ्रेंड अभी हम दोबारा आए हैं करीब डेढ़ घंटे बाद। तो ये आपका मड़ाई हो गई है, थ्रेसिंग कर दी है, ये निकल गया पेटी, धान निकल गया। ये भूसा है, अभी इसमें भी बचा है, इसको भी छांटेंगे। ये भूसा है और इधर दोबारा चल रही है, उधर जीवन जो है सब करवा रहे हैं। सनवाल जी हैं ऊपर चढ़े हुए, आकाश, सभी लोग मड़ाई कर रहे हैं। देखो पानी कितना है इसमें, अभी भी खेत में पानी भरा है, पूरा पानी भरा पड़ा है। ये देखो कितना पानी है, नज़ारा है देखिए पूरे खेत का। तो फ्रेंड ये आगे नर्सरी, अभी इतने बड़े एरिया में भी हमको इधर जो है पूरा काम करना है। प्रक्रिया दिखाई है कि कैसे खेत में अनाज जो लगाया जाता है, धान जो चावल हम खाते हैं, वो कैसे रोपाई से लेके उसका पूरी देखरेख होती है। देखरेख होने के बाद लास्ट में मड़ाई, और मड़ाई के बाद फिर अभी ये जो है, ये तो धान ही निकल, अभी धान निकल के इससे चावल निकाला जाता है सेलर में, तो वो भी आपको दिखाएंगे। बड़ी लंबी प्रोसेस है। सुहानी 6:30 हो गया बेटा, हूँ नहीं, उठ जाओ, उठो। फ्रेंड्स ये उठ नहीं रही है, उठो, देख मैं वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, तो उठो उठो। फ्रेंड्स 6:30 हो गया है, इसको फिर देर हो जाती है, मैं आपको ऊपर ले जाती हूँ छत में। अरे हम आ गए छत में। ओ आओ, ये तो बड़ा अच्छा है ना, मौसम तो बहुत शानदार है, मौसम तो औसम है। ये देखिए ये जो है सनराइज होने होता है इधर से, तो कैसे बादल हो रखे हैं रेड और कितने सुंदर ना, वाओ तो बड़े प्यारे हो रखे, फूल भी बहुत सुंदर। और फ्रेंड्स जो मैंने आप लोगों को उस दिन कलियां दिखाई थी ना, देखिए उसमें क्या आया है, ये देखिए दिख रहे हैं पर्पल कलर के फूल, ये पूरी भर गई है। ये कितना सुंदर फूल आया है, देखिए दिख रहा है आपको, मैंने सोचा नहीं था कभी कि इसमें इतना प्यारा फूल आएगा। ये पूरा खिल गया, मज़ा आ जा रहा है इसे देख के, है ना। अभी मुझे लगता है जब सनराइज हो जाता है तो उसके लिए और बड़े हो जाते होंगे। अरे लक्ष्मू की बेबी क्या कर रहे हैं, लक्ष्मू के छोटे छोटे बाबू क्या कर रहे, ओले बाबा लेगी ना सुंदर बेटा बेटा, मम्मा मम्मा बेटे लो के लाए वो बेबी, मम्मा अभी मत उतो, मम्मा अभी मत उतो, अच्छा मम्मा ओ मम्मा अभी मत उठो, हमारे पाचे मम्मा की आंख में चोट लग गई है बाबू के, ओले मेला बाबू कहा गेला है, ये केला मम्मा अभी मत उठो, मम्मा अभी मत उठो, हमको अभी खेली खेली को लाओ, ये अच्छा खेले हैं, ये देखो ऊपर आने लगे, ये देखो देखिए फ्रेंड्स कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं, मुन्ने नुन्ने ये कैसे छोया है, देखो कितना झुंझल है, ये कितना पाला है, ये बाबू ये शोना बाबू कितना पाला,
देखिए फ्रेंड्स कैसे खेल रहे। लॉचनू लॉजनी मम्मा का पाला वाला बेबी, इतना सुंदर सुंदर बेबी। ओ ये भी पाला पाला बेबी, ये देखो जमाई इतनी बड़ी, नोजी काली काली, इसकी पिंक पिंक, इसकी वाइट वाइट। देखिए फ्रेंड्स तीनों की अलग अलग। फ्रेंड्स हमारी रोशनी मम्मा बैठी है यहाँ, मोटू लॉली का कह ली है, और उसके बच्चे मैं आपको दिखाती हूँ। यह है एक शैतान, ये भागा, ये अब ना बाहर आने लगे हैं, और उसमें बैठ ही नहीं रहते तो मैंने इनके लिए डब्बा कर दिया। एक ये घुसा है, दिखाती हूँ, ये एक ये है और एक नीचे है। ओ फ्रेंड्स इतने शैतान हो गए हैं ना, देखिए एक नीचे है एक ऊपर है, दोनों खेल रहे हैं। हाँ अभी देखना ये आ रहा है अभी आएगा, देखना ये भागा, ये देखो इसका शैतान, ये देखो इसका तोड़ना, देख रहे हैं ये। और वो नीचे चला गया और निकल नहीं पा रहा है शायद, या नहीं क्यों नहीं निकल पाएगा, यहाँ से आ जाएगा शैतान बच्चा। ये है वो शैतान बच्चा देखिए। और एक फ्रेंड्स ये तीनों इतने शैतान हैं कि अब बिल्कुल ठहर नहीं रहे। आपको मैंने छोटे छोटे दिखाए थे ना, अब देखिए इनके हाल, ये एक से बढ़कर एक। हाँ वो देखो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने नई बेल लगाई है, ये है बहुत सुंदर पर्पल कलर के फूल आ रहे हैं इसमें, और ये पूरी बेल में फूल खिले हुए हैं मेरी। ये देखिए ये देखा सारे फूल ही फूल, और ये इधर मेरा बोगनवेलिया खिला हुआ है येलो, इधर पिंक, इधर गेंदे हैं, गेंदा बहुत सुंदर, और ये बोगनवेलिया बहुत ही प्यारा खिला हुआ है, बहुत सुंदर। और इधर जो है ये खिला हुआ है, फूल दिखा रही हूँ केवल, और तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये हैं मेरे रंगीन क्रूपर, ये वाले फूल भी खिले हैं खूब आजकल, ये मैं फूल दिखा रही हूँ। अच्छा इसमें भी कलियाँ आई हुई हैं पर फूल नहीं आए हैं अभी, बहुत प्यारा पूरा पेड़ भरा है। और ये है रेड, फ्रेंड इसमें भी कीड़ा लग गया है, पता नहीं अब ठीक होता है कि नहीं, दवाई तो ढलवाई है, पर ये देखिए ये भी इतना अच्छा खिला है रेड कलर का बोगनवेलिया, बहुत सुंदर, दवाई कितना काम करती है कितना नहीं देखते हैं। और इधर तो कोई फूल नहीं है, यहाँ फूल कम है, यहाँ पे मैंने ज़्यादा रफ एंड टफ वाले लगाए हैं पौधे। ये खिला है बहुत सुंदर, ये इसमें कलियाँ बहुत सारी आई हैं, ये खिला है। लगभग सारे प्लांट्स अवेलेबल हैं जो मैं दिखा रही हूँ आपको, और कमल भी है यहाँ तक कि कमल का फूल भी आप ले सकते हो, वो हमारे बड़ी वाली नर्सरी में है, वहाँ से आपके लिए मंगवा सकते हैं अगर आप लोग कहेंगे, और बहुत सुंदर बना सकते हैं आप अपना गार्डन। फ्रेंड्स आज बहुत दिनों बाद दिखाने का पर्पज़ यही था कि जो भी प्लांट्स यहाँ पे हैं वो सब हमारी नर्सरी में अवेलेबल हैं, आप लोग इन्हें नेल कर सकते ले सकते हैं और बहुत सुंदर बना सकते हैं अपना बगीचा।